जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को एक एक करके आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। पहली बड़ी खबर है, एक नई दिशा निर्देश जारी हुई है। महत्वपूर्ण न्याय योजना जिसका नाम राजीव गांधी मजदूर न्याय योजना है, इसके लिए सितम्बर से यानी कि 1 सितम्बर से पंजीयन होने जा रहा है। खबर आ रही है, गाँवों में पौनी पसारी व्यवस्था से जुड़े परिवारों को भी अब मजदूर न्याय योजना में शामिल कर लिया गया है। इसके तहत गाँव के पंडित धोबी, नाई, बढ़ई, चरवाहा, मोची और लोहार परिवार को योजना का लाभ मिलेगा, बशर्ते उनके पास खेती की कोई भी जमीन ना हो। इसके अलावा वनोपज संग्राहक और राज्य सरकार द्वारा समय समय पर नियत किए गए कृषि भूमिहीन परिवार भी पात्र होने वाले हैं। परिवार के मुखिया यानी कि माता पिता के नाम पर भी यदि खेती की जमीन है तो इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। बता दें कि आवासीय जमीन को कृषि भूमि में मान्यता नहीं दी गई है, जबकि पट्टे पर मिली सरकारी भूमि जैसे वन अधिकार प्रमाण पत्र को कृषि भूमि का दर्जा दिया गया है। योजना के तहत पात्र परिवारों को 6,000 रुपए 1 या फिर 2 किस्तों के माध्यम से दी जानी है। प्रदेश के तकरीबन 12 लाख लोगों को इससे सीधा फायदा होने जा रहा है। नए जिले जो बनाए जा चुके हैं, इनसे अब नए नए विवाद उठते जा रहे हैं। मोहला मानपुर चौकी का जिला मुख्यालय अंबागढ़ में बनाने की मांग है। चिरमिरी में मुख्यालय और भाटापारा को अलग जिला बनाने का आंदोलन शुरू हो चुका है। बिलाईगढ़ के लोग भी खफा हो गए हैं। दरअसल स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह में मुख्यमंत्री बघेल ने प्रदेश में 4 नए जिले बनाने की घोषणा की थी। इस घोषणा के साथ ही नए विवाद भी शुरू हो गए हैं। कोरिया जिले के चिरमिरी में जिला मुख्यालय बनाए जाने और मनेन्द्रगढ़ जिले के नाम में चिरमिरी जोड़ने को लेकर के भूख हड़ताल शुरू हो गई है। अंबागढ़ चौकी के लोग जो है यहाँ पर चाहते हैं कि जिले का मुख्यालय उनके यहाँ बने। बिलाईगढ़ सतनामी समाज का गढ़ है और उनका कहना है कि उन्हें सारंगगढ़ जिले में शामिल नहीं होना है। भाटापारा में भी अलग जिले के लिए आंदोलन की तैयारियां की जा रही हैं। छत्तीसगढ़ में जिन 4 नए जिलों की घोषणा हुई है, उनमें से मोहला मानपुर चौकी को राजनांदगांव जिले से अलग करके बनाया जा रहा है और इसके मुख्यालय की घोषणा फिलहाल नहीं की गई है, लेकिन पूरा अनुमान है कि मानपुर में इसका मुख्यालय ही बनाया जाएगा। एक अच्छी खबर है, मुख्यमंत्री सस्ती दवा योजना धनवंतरी के नाम पर है। शहर के हर वार्ड में यहाँ पर ये जो मेडिकल है खुलने वाले हैं। सस्ती दुकान में लगभग 251 तरह की दवा आप लोगों को मिल सकेगी। पहली शॉप इसी माह से होने वाली है ओपन। दरअसल बता दें, नगरीय क्षेत्रों में चल रही मुख्यमंत्री सस्ती दवा स्कीम के नाम को बदल करके अब श्री धनवंतरी योजना कर दिया गया है। अब शहरों में इसके तहत मोहल्लों में सस्ती दवा दुकानें खोल दी जाएंगी। इनमें सर्दी, खांसी, बुखार, डायबिटीज, एंटीबायोटिक, एलर्जी, थायराइड से लेकर के दिल की बीमारियों तक की तकरीबन 251 किस्म की दवाएं सस्ती दरों पर मिल सकेंगी। यही नहीं, 27 तरह के सर्जिकल आइटम्स जिनमें प्लास्टर, बैंडेज, कैथेटर, सर्जिकल ग्लव्स, बीसीजी, हेपेटाइटिस के टीके जो है शामिल हो सकेंगे। राजधानी समेत बड़े शहरों में ऐसी दुकानें अगस्त अंत तक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर खोलने की तैयारियां की गई हैं। इसके अलावा रायपुर में हर वार्ड में ऐसी दुकान खोलने का प्लान है और माना जा रहा है कि अगले 3 हफ्ते में केवल रायपुर में ही ऐसी 20 से ज्यादा दुकानें खोली जा सकती हैं। सुरक्षा की चाबी के लिए पिंक गश्त जो है 2021 का अभियान शुरू किया गया है। दुर्ग में गुलाबी मास्क पहन करके 150 से ज़्यादा महिला पुलिसकर्मी सड़क पर उतरी। शाम को 6 घंटे इन्होंने घूमा। इसके अलावा महिलाओं और बच्चों की सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग भी दे रही हैं। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में महिलाओं की सुरक्षा और उनके सशक्तिकरण को लेकर की नई शुरुआत हुई है। महिलाओं से संबंधित अपराधों की रोकथाम के लिए महिला पुलिसकर्मी सड़कों पर हैं। इन्हें नाम दिया गया है पिंक गश्त 2021। दरअसल पिंक टीम ने जो है पिंक मास्क और वाहनों के साथ शामिल 150 महिला पुलिसकर्मी जो है गश्त करके क्राइम कंट्रोल करने में मदद करने के साथ ही सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग भी दे रही हैं। यह प्रदेश की पहली पिंक गश्त है जिसका जिले में ही प्रयोग किया जा रहा है। बता दें, शहर में गश्त के 11 पॉइंट चिन्हित किए गए हैं जिनमें शाम 5 बजे से लेकर के रात 11 बजे तक गश्त की जाती है और पिंक गश्त के लिए दुर्ग भिलाई शहर में 11 से अधिक स्थानों को चिन्हांकित किया गया है। और अब खबर कर लेते हैं, बस्तर में सावन की झड़ी लग चुकी है। दंतेवाड़ा में रिकॉर्ड बारिश हुई है जो अभी तक सूखे की हालात में थे। 24 घंटे से लगातार हो रही बारिश ने नदी नालों का जलस्तर बढ़ा दिया है। शहरों की सड़कें और कॉलोनियों जलमग्न हो गई है। अगले 5 दिनों तक बादल बरसने की उम्मीद यहीं पर जताई गई है। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग के कई जिलों में 15 अगस्त के बाद से मौसम ने करवट ली है और बारिश भी लगातार हो रही है। वहीं पिछले 24 घंटे के बाद बात करें तो संभाग के 5 जिलों में लगातार झमाझम बारिश
बारिश हो रही है। इधर बस्तर में इस साल सावन के महीने में पहली झड़ी लगी हुई है। लगातार हो रही बारिश की वजह से बस्तर की जीवनदायिनी कहे जाने वाली इंद्रावती नदी का भी जलस्तर अब बढ़ गया है। इधर दंतेवाड़ा जिले के गीदम की पुलिस कॉलोनी में भी बरसाती नाले और खेतों पर पानी घुस गया है। दंतेवाड़े में रिकॉर्ड स्तर पर बारिश हुई है, रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है। लगातार हो रही बारिश को देख करके अब किसानों के भी चेहरे खिल गए हैं, जो अब तक यहाँ पर मायूस चल रहे थे। याचिका पर सुनवाई के मद्देनजर आरक्षण की फीसदी को बढ़ाने के मामले में शासन ने कोर्ट को बताया ओबीसी कमेटी सर्वे कर रही है। दरअसल राज्य सरकार ने 2012 में आरक्षण की सीमा 50% से बढ़ाकर 58% कर दी। इसको चुनौती देने वाली याचिका पर बीते दिन सुनवाई हुई। इस दौरान शासन की तरफ से जवाब के लिए समय की डिमांड की गई है। शासन की तरफ से बताया गया है कि ओबीसी आरक्षण के लिए बनाई गई कमेटी सर्वे कर रही है। इस पर याचिकाकर्ता की तरफ से आपत्ति की गई है और कोर्ट ने मामले को 6 सितंबर को सुनवाई के लिए रखा है। गुरु घासीदास साहित्य समिति ने अधिवक्ता मीना शास्त्री के मुताबिक माध्यम से कोर्ट यहां पर मीना शास्त्री के माध्यम से हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की है। इसमें बताया गया है कि वर्ष 2012 में राज्य सरकार ने आरक्षण की सीमा को 50% से बढ़ाकर 58% किया है, जो कि सही नहीं है। नियमों की अनदेखी की गई है और सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा नहीं हो सकती। कांग्रेसियों ने मुख्यमंत्री के खिलाफ नारे लगाए। अंबागढ़ चौकी ब्लॉक अध्यक्ष को संगठन का कारण बताओ नोटिस जारी हुआ। विरोध प्रदर्शन में शामिल विधायक से कुछ नहीं पूछा गया। दरअसल नए जिलों की घोषणा के बाद अंबागढ़ चौकी में हुए विरोध प्रदर्शन से कांग्रेस संगठन खासा नाराज है। प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री संगठन चंद्रशेखर शुक्ल ने अंबागढ़ चौकी ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष अनिल मानिकपुरी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। प्रदर्शन में शामिल खुज्जी विधायक छन्नी साहू से कुछ पूछा नहीं गया। इधर मामला 15 अगस्त का है, जहां पर मुख्यमंत्री बघेल ने प्रदेश में 4 नए जिले की बनाने की घोषणा की थी। इसमें राजनांदगांव से अलग होकर मोहला मानपुर का जिले का नाम भी था और घोषणा से कुछ देर बाद ही अंबागढ़ चौकी में बड़ा प्रदर्शन हो गया। इधर भाजपा और कांग्रेस दोनों दलों के स्थानीय नेता कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए और इस विरोध में खुज्जी की कांग्रेस विधायक छन्नी साहू भी साथ थी। ये लोग कई सालों से अंबागढ़ चौकी को जिला बनाने की डिमांड कर रहे थे। और अब अगली बड़ी खबर है, जमीन की खरीद बिक्री को लेकर के नवा रायपुर में रजिस्ट्री दफ्तर तैयार। अब 41 गांवों की रजिस्ट्री वहीं पर हो सकेगी। दरअसल नवा रायपुर और वहां से लगे 41 गांवों के लोगों को अब जमीन की खरीदी या बिक्री करने के बाद रजिस्ट्री कराने के लिए रायपुर नहीं आना होगा। नवा रायपुर में नया रजिस्ट्री दफ्तर खोलने की जो यहाँ पर तैयारी पूरी हो गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इसकी वर्चुअल शुरुआत करेंगे। इसके बाद से ही रजिस्ट्री शुरू हो जाएगी। राज्य बनने के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब नवा रायपुर के गांवों के जमीन की रजिस्ट्री रायपुर दफ्तर के बजाय नवा रायपुर में ही होगी। इधर नया रजिस्ट्री दफ्तर सेक्टर 29 में खोला गया है और इसके लिए छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड से एग्रीमेंट किया गया है। दफ्तर में टेबल कुर्सी लगाने के साथ ही ऑनलाइन रजिस्ट्री के लिए केबल बिछाने का काम भी पूरा हो गया है। दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं, उससे पहले हमारी एक छोटी सी प्रार्थना आप सभी से। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है, जिसे दबा करके आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन भी दिया, उसको दबा करके इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। साथ ही साथ घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर आपको सेलेक्ट करके रख लेना है, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ के ठीक इसी प्रकार के समाचार हम आप तक रोजाना पहुंचा सकें। तो ये खबरें प्रतिदिन रोजाना देखते रहने के लिए, पाते रहने के लिए इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करके रख लेना है। स्कूलों की मनमानी के खिलाफ लोगों का गुस्सा यहां पर फूट चुका है। हॉली क्रॉस के गेट पर पहुंचकर पेरेंट्स ने नारेबाजी की, कहा अनाप शनाप फीस वृद्धि बंद करें। एबीवीपी ने भी इस पर हंगामा किया है। रायपुर के बैरन बाजार इलाके में बने होली क्रॉस स्कूल के पास मंगलवार को हंगामा हो गया। हालांकि इस वक्त अभी जो आप तस्वीर देख रहे हैं वो होली क्रॉस की नहीं है, किसी अन्य जगह की है। पेरेंट्स और बड़ी तादाद में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने स्कूल के बाहर बवाल कर दिया, तालियां बजवा करके स्कूल तेरी मनमानी नहीं सहेंगे, शिक्षा का व्यापार बंद करो जैसे नारे गूंजने लगे। एबीवीपी के जो नेता हैं गेट पर चढ़कर हंगामा करने लगे। हालात बेकाबू होते देख फौरन पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू करने का प्रयास करने लगी। प्रदर्शनकारी नहीं माने और हंगामा होता रहा। दरअसल बता दें, स्कूल के बाहर ये बवाल फीस बढ़ोतरी की वजह से उपजा था। पिछले दिनों कई दिनों से पालक फीस के मुद्दे पर स्कूल प्रबंधन से बातचीत करने की कोशिश करते रहे, मगर इस चर्चा से कोई हल नहीं निकल पाया। अचानक फीस बढ़ाने के फरमान पर स्कूल टिका रहा, इसलिए अब पालकों का गुस्सा फूट पड़ा है।
वाटरफॉल देखने गए 10 लोग बाढ़ में फंसे। अचानक शुरू हुई बारिश से नदी नाले में यहाँ पर माफी नाले में जो है पानी का स्तर बढ़ गया। कपड़ों की रस्सी बना करके इनको बचाया गया, जबकि धमतरी के कई इलाके में पानी घुटनों तक भर आया। खबर आ रही है छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले से, जहाँ पर 10 से ज्यादा लड़के लड़कियां कई घंटों तक नाले में फंसे रहे। ये सभी वाटरफॉल देखने के लिए गए थे, लेकिन लौटते वक्त अचानक बारिश हो गई और रास्ते में एक नाले में बाढ़ आ गई। उसी नाले के दूसरी तरफ सभी फंस कर रह गए। गनीमत रही कि कुछ युवाओं ने घंटों की मशक्कत के बाद इन्हें बचा लिया। घटना 15 अगस्त यानी कि रविवार की है, लेकिन वक्त जो है यहाँ पर फुटेज आने में कुछ टाइम हो गया। इसके अलावा सभी लोग घूमकर वापस लौट रहे थे, अचानक वाटरफॉल के नाले में बाढ़ आ गई। इससे वे इस नाले को पार नहीं कर सके और इस दौरान पानी का बहाव इतना तेज था कि वे अकेले नाले को पार नहीं कर सकते थे। आसपास भी मदद के लिए कोई नहीं था। इस बीच NSUI के जिला सचिव सचिन बंग और भाजीमो कुनकुरी ग्रामीण मंडल के उपाध्यक्ष मयंक चौहान को इसकी जानकारी मिली। और अब खबर है नई योजना के अंतर्गत प्रोफेशनल्स ग्रेजुएट कर्मियों को अफसर बनने का मौका मिल सकेगा। कारण यह है कि 75% MTT ने अपनी ज्वाइनिंग नहीं दी है। खबर आ रही है चयन के बाद भी युवा इंजीनियर्स ज्वाइन करने में अपनी रुचि नहीं दिखा रहे हैं, इसलिए प्रबंधन ने एक नया तरीका निकाला हुआ है। बता दें जो काम कर रहे हैं उनमें से भी कई दूसरी कंपनियों ने आवेदन दिया है। खबर आ रही है BSP से यानी कि भिलाई स्टील प्लांट से, जहां पर उनके कर्मचारी जिन्होंने ड्यूटी ज्वाइनिंग के बाद टेक्निकल्स और प्रोफेशनल्स कोर्स में ग्रेजुएशन किया है, उनके लिए अच्छी खबर है। सेल प्रबंधन अब उन्हें E0 की तर्ज पर अफसर बनाने की योजना पर विचार कर रहा है। ऐसा युवा इंजीनियर्स के कंपनी के प्रति भंग होते मोह को देखते हुए किया जा रहा है। सेल प्रबंधन प्रशिक्षु तकनीकी यानी कि MTT के लिए प्रत्येक 1-2 साल के अंतराल में भर्ती की जाती है, और बीते 2 भर्ती प्रक्रिया के बाद युवा इंजीनियर का कंपनी को लेकर के जो रुख सामने आया है उससे प्रबंधन को चिंता में डाल दिया है। बता दें वर्ष 2018 में सेल स्तर पर गेट पास तकरीबन 400 पदों के लिए भर्तियां प्रक्रिया निकाली गई थी। इनमें से वर्तमान में केवल 25% MTT ही कार्यरत हैं, बाकी 75% युवा इंजीनियर सेल छोड़कर के दूसरी कंपनी ज्वाइन कर चुके हैं। यही स्थिति 2020 के लिए हुई प्रक्रिया में भी सामने आई थी। और अब खबर है छत्तीसगढ़ बोर्ड के फेल छात्रों को एक और मौका मिल सकेगा। प्रायोगिक परीक्षाओं में नहीं आने की वजह से फेल हुए 12वीं के स्टूडेंट्स जो है परीक्षा दे सकते हैं। अब गायब हुए तो 2022 में ही केवल इनको मौका मिलेगा। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल 12वीं परीक्षा में फेल हो चुके परीक्षार्थियों को एक और मौका उपलब्ध करा रहा है। प्रायोगिक या फिर प्रोजेक्ट वर्क परीक्षाओं में अनुपस्थिति की वजह से फेल हुए विद्यार्थियों के लिए 31 अगस्त तक परीक्षाएं आयोजित करने का निर्देश दिया गया है। यह परीक्षाएं जो है स्कूलों में ही होने वाली है, और इस बार भी अनुपस्थित रहे तो अगला मौका 2022 में मिलेगा, जो कि मुख्य परीक्षा में ही होगा। माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव प्रोफेसर VK गोयल ने बताया है कि 12वीं की मुख्य परीक्षा में कई नियमित और स्वाध्यायी विद्यार्थी प्रायोगिक अथवा प्रोजेक्ट वर्क की परीक्षाओं में अनुपस्थित रहने की वजह से अनुत्तीर्ण हो गए थे, जिन्हें दोबारा मौका दिया जा रहा है। और अब बात करते हैं बकरा पार्टी की आड़ में जुए का धंधा चलाया जा रहा था। नक्सल इलाके के जंगल में दांव लगाया जा रहा था, चरवाहा और किसान बनकर पहुंच गई पुलिस। 22 लोगों को गिरफ्तार किया गया, 1,00,000 रुपए भी जब्त किए गए, 1,09,000 रुपए की धनराशि। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में मंगलवार को पुलिस ने 22 जुआरियों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपियों में से 1,09,000 रुपए भी बरामद हुए हैं। ज्यादातर आरोपी राजनांदगांव और भिलाई के रहने वाले हैं। खास बात यह आ रही है कि जुए का यह पूरा कारोबार बकरा पार्टी की आड़ में चल रहा था। बकायदा जुआरियों ने चूल्हा भी जला रखा और उस पर मीट पक रहा था। इस दौरान पुलिस ने भी किसान और चरवाहे के भेष में वहां जाकर छापा मार दिया। अंतिम बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में अब एक्टिव केसेस महज 1138 पर पहुंच चुके हैं। प्रदेश में बीते 24 घंटे के दौरान 68 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं। 6 जिलों में एक भी संक्रमित नहीं पाया गया, जो कि सकारात्मक खबर है। इधर रायपुर बस्तर सहित 8 जिलों में आधे से ज्यादा मरीज हैं। खबर आ रही है छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब 0.2% के आसपास बनी हुई है। प्रदेश में बीते 24 घंटे के दौरान 33,778 नमूनों की जाँच हुई। इनमें से 68 लोगों में कोरोना के संक्रमण की पुष्टि हुई और
इस बीच महासमुंद के एक मरीज की मौत भी हुई है। वही 224 लोगों के इलाज के बाद से उनको छुट्टियां दे दी गई हैं। पिछले कुछ दिनों से यह ठीक होने वालों की सबसे अधिक संख्या है। हर जिले में संक्रमित पाए गए मरीजों की संख्या 10 से कम ही रही है। और अब दोस्तों आज की खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है, जिसे दबा करके आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन भी दिया, उसको दबा करके इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। साथ ही साथ घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को भी आपको सेलेक्ट करके रख लेना है, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ के सुपर फास्ट समाचार रोजाना ठीक इसी प्रकार से हम आप तक पहुंचा सकें। तो आप प्रतिदिन इस खबरों को देखते रहने के लिए, छत्तीसगढ़ समाचार पाते रहने के लिए बस आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है।